अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा आप में से बहुत सारे लोग जब YouTube पर पोस्ट अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन का बोला जाता है जब आप वेरिफिकेशन भी करते हैं लेकिन एक्सेस नहीं होती इस वीडियो के अंदर आज मैं एक्सेस करके बताऊँगा कि उसको वेरीफ़िकेशन कैसे करना है और इसका बेनिफिट क्या होता है अगर आप वेरीफिकेशन करते हैं चैनल नया है पुराना है जो भी है वेरिफिकेशन तो आपने करना है क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन तो यूट्यूब ने दिया है कि आप करें लेकिन वेरिफिकेशन मांगा जाता है वेरिफिकेशन करने का बेनिफिट ये होता है आप पंद्रह मिनट तक या इससे ऊपर की वीडियो अपलोड कर सकते हैं अगर वेरिफिकेशन हो अगर ना हो तो आप नहीं कर सकते लाइव स्ट्रीमिंग आप कर सकते हैं थंबनेल आप लगा सकते हैं पोल कर सकते हैं पोस्ट कर सकते हैं इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं अगर आप इसको वेरिफिकेशन करते हैं लेकिन सही वेरिफिकेशन कैसे करनी है इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है ताकि आपको दिक्कत ना हो अगर... अच्छा दोस्तों हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर अब सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे प्लस वाले निशान के ऊपर क्लिक तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे नीचे लिखा है क्रिएट आ पोस्ट तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये इंटरफेस सामने आता है ऊपर लिखा है यूज़ वीडियो वेरिफिकेशन मतलब तीस सेकंड की आपने अपने मुंह की वीडियो बनानी अपने फेस की लेकिन ये वाला काम आपने नहीं करना अक्सर इसके ऊपर तो वेरिफिकेशन होता ही नहीं है सौ में से नब्बे परसेंट जो चांस होते हैं वो ना होने के होते हैं उसके बाद नीचे लिखा है यूज़ योर वैलिड आई ठीक है ना आपने अपने शिनाख्ती कार्ड के ज़रिए या पासपोर्ट के ज़रिए ड्राइविंग लाइसेंस के ज़रिए इसको जो है ना हमने वेरीफ़ाई करना है तो कैसे करेंगे हमने सिंपली इसके ऊपर ही क्लिक करना है उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये गूगल अकाउंट ओपन हो के आपके सामने इस तरह आ जाएगा तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नवंबर उन्नीस सौ चौरानवे ये मेरी बर्थडे है ऊपर लिखा है योर डेट ऑफ बर्थ मस्ट मैच योर आईडी योर अकाउंट लिस्ट योर डेट ऑफ बर्थ बर्थ एज़ तो अगर आपकी जो जी मेल आई की बर्थडे लगाई है वो आपकी आईडी के साथ मैच करनी चाहिए वही होनी चाहिए अगर आपकी रॉन्ग है तो ये लिखा है करेक्ट डेट ऑफ बर्थ तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने ठीक लगा लेनी है उसके बाद आपने कर देना है नेक्स्ट है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे नीचे आपको नज़र आएगा नेक्स्ट वाला ऑप्शन तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो यहाँ पे ये देखें यूज़ योर ओरिजिनल आईडी नॉट अ डिजिटल कॉपी और फोटो कॉपी योर आईडी मस्ट जो आपकी ओरिजिनल आईडी का आईडी कार्ड है जो आपका शनाख्ती कार्ड है या पासपोर्ट है जो कुछ भी है शनाख्ती कार्ड से ज़्यादातर करते हैं तो वो आपका होना चाहिए जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो आगे कैमरा जैसे ही ऑन होगा आपने उसके आगे फ्रंट वाला पेज रख के तो उसको पिक्चर लेकर नीट एंड क्लीन सेंड कर देनी मैं कैसे करना है यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ये कैमरा है और इसके आगे आपने अपने आईडी कार्ड को रखना है मैं रख के आपको बताता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है दोस्तों तो मैंने अपनी आईडी की शिनाख्ती कार्ड की जो पिक्चर है वो ले ली है फ्रंट वाली उसके बाद आपने कर देना है सबमिट तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आगे का प्रोसेस भी आपके सामने नज़र आ जाएगा अब यहाँ पे क्या लिखा नज़र आ रहा है थैंक्स फॉर सब मिटिंग योर आई डी गूगल नाउ नीड्स टू रिव्यू योर आई डी दिस मे टेक अप टू चौबीस घंटे आपने वेट करना है चौबीस घंटे के बाद आपका ये सक्सेस हो जाएगा ठीक है ना तो यहाँ पे लिखा क्लोज द स्क्रीन टू रिटर्न टू यूट्यूब अब मैं यहाँ पे बैग जाता हूँ बैग जाके आपको दिखाता हूँ तो अब मैं दोबारा प्लस वाले निशान के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे क्रिएट पोस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है चौबीस घंटे के बाद ये जो आपका है ये वेरिफिकेशन हो जाएगी आप पोस्ट कर सकते हैं जो मर्ज़ी कर सकते हैं लेकिन आपने आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन करनी है डेट ऑफ बर्थ आपकी लाजमी ठीक होनी चाहिए और बाकी बात रही कि आपको को कोई भी मसला पेश आए आपका भाई हाजिर है आपका भाई वीडियो बना देगा चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रख लेना जो भी प्रॉब्लम आपको पेश आती है आपका भाई हाजिर तो दोस्तों अब 24 घंटे के बाद हम चेक करते हैं क्या वो हो गया एक्सेप्ट के नहीं हुआ यहाँ पे प्लस वाले निशान के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूं उसके बाद ये क्रिएट अ पोस्ट लिखा इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये देखें ये मेरा एक्सेप्ट हो चुका है आपने भी इस तरह करके इसको कर लेना अगर ना समझ लगे आपका भाई आज़र है आप दोबारा पूछ सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सेप्ट हो जाता है जब आप, जब आप अपनी आईडी के जरिए इसको वेरिफिकेशन करेंगे तो इन ताला आपका एक्सेप्ट हो जाएगा कोई भी मुश्किल हो आपका भाई हाज़र है कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर व्हाट्सअप पे आपको जवाब नहीं मिलता मैं भी बिज़ी होता हूँ बिज़ी लाइफ है तो आप कमेंट कर दीजिएगा यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा तो इंतजार किया करें ठीक है ना तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपका भाई फिर हाजिर होगा मुझे दीजिजाजाजाजाजत अल्लाह